नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। अक्सर हमने ये सुना है और शायद ये अनुभव भी किया है कि कई बार हमारे पैरों में दर्द होता है और खासकर एक पैर में ज्यादा दर्द होता है, तो ऐसे में लोग परेशान रहते हैं ये जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आपको बता दें कि कई बार लगातार खड़े रहने की वजह से, तो कई बार घंटों बैठे रहने की वजह से भी हमारे पैर में दर्द शुरू हो जाता है, तो कई बार एक पैर में ज्यादा जोर पड़ने की वजह से भी दर्द बढ़ जाता है। बता दें कि अगर आपके पैरों के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है तो आप भी 20 मिनट के लिए बिस्तर पर लेटकर आगे बताए जाने वाले इस उपाय को कर सकते हैं, जिससे आपको तुरंत राहत मिले। पैरों के दर्द को दूर करने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि आप खुद को मानसिक रूप से शांत करें। इसके बाद बिस्तर कमर के बल शांत होकर लेट जाएं, अपनी सांसों पर ध्यान करें और शरीर में उठने वाले दर्द और तरंगों का अनुभव करें। इसके बाद धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। जब आप पैरों को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं तो उस दौरान सांस अंदर खींचें। जितनी देर तक इस स्थिति में रह सकते हैं खुद को रोक कर रखें, हालांकि अपने शरीर के साथ जबरदस्ती न करें। आप खुद को देर तक इस स्थिति में रखने के लिए शरीर पर दबाव न बनाएं। कुछ देर बाद आप सांस छोड़ते हुए अपने पैर एक साथ नीचे लेकर आएं। अगर ऐसा करने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप दीवार का सहारा लेते हुए अपने पैर ऊपर की तरफ रोक कर रखें। इस दौरान अपने दोनों हाथ सीधे रखें और हथेली ऊपर यानी कि आसमान की तरफ खुली रखें। शुरुआत में 10 से 20 मिनट के लिए या जितनी भी देर आप ऐसा कर सकें करें, नहीं तो आप इस प्रक्रिया को 5 मिनट के साथ भी शुरू कर सकते हैं। असल में जब आप लंबे वक्त तक पैर नीचे की तरफ रखकर बैठते हैं या फिर चलने फिरने या दूसरी शारीरिक गतिविधियां नहीं करते हैं तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में बाधा आती है और इसी कारण से आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।